प्राकृतिक संपदाओं से भरा हुआ सिरोही जिला अर्बुदारण्य और श्रेणवा की वादियों में बसा हुआ है और सिरोही जिला मुख्यालय जो प्राकृतिक संपदा जल वायु पहाड़ नदी नालों से संपन्न था, आज सिरोही जिला और सिरोही मुख्यालय अतिवृष्टि हो, सामान्य वृष्टि हो, औसत वृष्टि हो, बांधों में पानी नदी नालों में आवक होती है, लेकिन सिरोही नगर की जो चारों और पहाड़ियों से बसा हुआ है इसमें जल आवक नहीं होती। मैं भी जहाँ पर खड़ा हूँ यह है अग्निशमन सेवा केंद्र के सामने का स्तर कालका जी तालाब का एक भाग जो मानसरोवर अकेला तीन भागों में विभाजित है और समीप भी लाखेलाव तालाब का ओवरफ्लो है। इसी ओवरफ्लो पर मुख्यमंत्री इंदिरा शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत प्रभारी मंत्री ने यहीं से कार्य शुरू किया था और इस पूरी तालाब की भूमि को मजदूरों के द्वारा सफाई करवाई थी। आगे आप देख सकते हैं उधर पूरा डंपिंग यार्ड बना हुआ है, नगर के ठेकेदार और मकान के निर्माणों के ठेकेदार यहीं पर मलबा डालते हैं और अभी शहर को के दो महान सड़कों को 6 करोड़ की लागत से विधायक जी ने स्वीकृत करवाया है कि सड़कें चौड़ी होंगी, लेकिन जिस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रख सैकड़ों वृक्षों को जमीन दोष किया है, सड़क चौड़ी हो रही है, हो सकता है उनको पेड़ काटने होंगे, लेकिन सिरोही में विकास के दौरान LNT के जो हाईवे जो गुजरे और जो कार्य हुआ उसके अंदर सिरोही शहर के सभी तालाबों के अंदर पानी के आवक मार्ग बंद हुए। निडोरा में कार्य हुआ इंदिरा रोजगार से पानी की आवक बंद है और यहाँ पर अभी जो सड़क कार्य के दौरान जिस प्रकार राजस्थान सरकार के चयित ठेकेदार ने इस तालाब को खुदवाया गया था और यहाँ पर सब निर्माण सामग्री डलवाई है और इसके जो आवक मार्ग के ऊपर जो निर्माण सामग्री पड़ी है, अभी अगर वृष्टि हो गई और शहर के नाले तो वैसे भी साफ नहीं हुए और शहर का ये प्रमुख मार्ग स्वरूप विलास मार्ग जहाँ से सभी अधिकारी न्यायविद वकील आम आदमी यहाँ से गुजरता है और ये नाला अगर ओवरफ्लो हो गया या इसमें जवाब हो गया और आगे भी झोप नाला जो भरा हुआ है उसमें जल भराव हो गया बारिश के दौरान, तो इसको भुगतना सिर्फ जनता को है। ये अलग बात है कि झोप और बूझ जो प्रचंड वेग से चलती थी, यहाँ के सभी तालाब भरे जाते थे, 2000 की अतिवृष्टि के समय तो ऐसे हालात हो गए थे कि तालाब फूट गया और उसके बाद की स्थिति ये बनी है कि सिरोही के तालाबों में किसी भी तालाब में पानी की आवक नहीं है। इस बारे में अब जिला प्रशासन को सोचना होगा, अन्यथा विकास को प्रतिबद्ध विधायक संयम लोढ़ा ने भी इसे नज़रअंदाज किया और पानी के नाम पर राजनीतिक दल कभी नर्मदा और कभी बतेसा का शब्द बात दिखाते रहे और विकास की आड़ में अगर सिरोही के प्राकृतिक जल आवक मार्ग स्त्रोत को रोकने का प्रयास किया और जिन भूमाफियाओं की सह पर ये चारों ओर रोके गए हैं, इसके बारे में अब जनता में भी गहरा आक्रोश है कि सरकार इंदिरा रोजगार में या किसी भी तरीके से जल संरक्षण प्रकृति संरक्षण के लिए इतना व्यय करती है तो वो व्यय का पैसा विकास में व्यय तो हो रहा है और उसकी सफलता ये है कि पानी के आवक मार्ग बंद है। देखिए ये है यहाँ।